गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो दोस्तों? तो चैप्टर नंबर 6 और सेल्फ इंडक्शन कॉन्सेप्ट, उसके अंदर दो वेरी आईएमपी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो न्यूमेरिकल बेस है, जो एमसीक्यू बेस है, वो है सोलेनोइड। यानी क्या होने वाला है बच्चों, कि आपके पास सोलेनोइड तो है ही, और उसका रिएशन किसके साथ चाहिए? सेल्फ इंडक्शन के साथ। तो आप याद करो चैप्टर नंबर 4-5, मैग्नेटिक फील्ड इन सॉलिड है, तो उसका फॉर्मूला था B=μ0nI। याद रखने के लिए बोला था मुन्नी, याद आ गया? मैं थोड़ा ये सोचू कि मेरे पास B रेडी, लेट्स कंसीडर एरिया ऑफ सॉलिड इज A, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स? यू नो दैट φ, यानी φ=BA। B आपके पास है μ0nI, AB आपके पास है। अब मैं कुछ भी करके इसके अंदर सेल्फ इंडक्शन की बात करूं, तो क्या था सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला? L=nφ/I, टोटल फ्लक्स यानी n×φ। अब बच्चों 2 मिनट, थोड़ा बहुत पुराना स्टोरी याद करते हैं। स्मॉल n=n/L, याद करो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। रिपीट दोस्तों, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बिल्कुल उसके हिसाब से मैंने n=, बोलो nl लिख दिया, बोलो यस और नो बच्चों। बस ये n की वैल्यू में अगर यहां पुट कर दूं, बोलो क्या होगा इक्वेशन l? I को कुछ नहीं करना, स्मॉल n की जगह n×l, phi की जगह μ0nIa, कर, सो L=μ0, दो बार n आया, सो n²al। देखो आपको सेल्फ इंडक्शन किसके लिए? वेरी लॉन्ग सोलेनोइड के लिए मिल गया। कि सर और एक काम करो, n की वैल्यू फिर से रिप्लेस कर दो, चलो क्या मिलेगा? L μ0 a l, स्मॉल n की जगह तो n²/l² लिखेंगे। बोलो बच्चों एक l कट, सो L=μ0 n²a/l। बोलो 100%। देखो सेल्फ इंडक्शन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल गया, L डायरेक्टली प्रपोजल टू n², यानी सोलेनोइड के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस वो नंबर ऑफ टर्म्स के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रपोजल। सीधी सी बात है बच्चों, अगर नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ेंगे तो सेल्फ इंडक्शन बढ़ेगा। रिपीट, नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ेंगे तो सेल्फ इंडक्शन बढ़ेगा। तो सर सेल्फ इंडक्शन कौन कौन सी चीज पे डिपेंड है? इससे मिल जाएगा, हाँ, s साइज शेप, क्योंकि एरिया है, म्यू है, यानी याद करो परमेबिलिटी, आपने जिस मटेरियल पे उसको वाउंड किया है उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी देखा जाता है। देखो आपके सारे चीज क्लियर है, एंड द लास्ट वन इज मेन एंड नंबर ऑफ टर्म्स। यानी सेल्फ इंडक्शन ये 4 चीजों पे डिपेंड है, वो भी हमने फॉर्मूला बेस पे प्रूव कर दिया। तो चलो इतना पक्का हो गया, अब हम जा रहे हैं कि सर उसकी एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनोइड। तो याद करो इंडक्टर वर्ड आपने सुना था, इंडक्टर मतलब सर्किट का जो मटेरियल सेल्फ इंड्यूस्ड होता है, यानी सर्किट के अंदर जो भी कोई मटेरियल है, जो भी कोई ऑब्जेक्ट है, जो भी कोई सब्सटेंस है जिसका अपना सेल्फ इंडक्शन होता है, जिसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उसको हम इंडक्टर बोलेंगे। तो सर ये तो हमें याद था, जिसमें से करंट पास हो रहा है तो वो पॉजिटिव हो गया, जहां से करंट बाहर निकल रहा है वो नेगेटिव हो गया। एनर्जी कैसे लाएंगे? तो बच्चों डायरेक्ट मत सोचो, पहले पावर का सोचो। बोलो पावर का फॉर्मूला क्या था? चैप्टर नंबर 3 के अकॉर्डिंग पावर P=VI वोल्टेज, यहां पे हम लोग ईएमएफ को लेंगे। तो सर ई के बारे में याद करो,
पी इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी था। याद करो इंड्यूस्ड ईएमएफ वो हमेशा जिसके कारण करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसका अपोज करेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसके कारण करंट पास हो रहा है उसका अपोज करेगा, इसलिए उसको कई बार बैक ईएमएफ भी बोला जाता है। क्या बोलते बच्चों? बैक ईएमएफ। यहां पे आप लोग माइनस साइन जो लेंस लॉ दिखाता है उसको भी निग्लेक्ट करेंगे, इसलिए मैंने यहां पे मोड ले लिया। देखना 11 12 कंबाइन हो। बोलो पावर का मतलब आप जानते हो dW / dt, याद है वर्क पर यूनिट टाइम। E आपके पास रेडी है L di / dt, I वैसा का वैसा। बोलो दोनों साइड dt कट हो गया बच्चों, क्या आया dW = L i di। अगर मैं यहां से टोटल वर्क फाइंड करूं तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लूं। तो टोटल वर्क यानी dW उसका इंटीग्रेशन ले लिया, L कांस्टेंट है, i di। करंट जो पास होगा वो लोअर लिमिट यानी इनिशियल बेस पे वो जीरो है, वहां से लेके मैं i तक काम करूंगा। तो इंटीग्रेट स्टार्ट, ये मेरा W, L, बोलो i का कितना पावर है 1, अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन एक पावर बढ़ेगा बड़ा हुआ नीचे आएगा। बोलो मेरे साथ एक पावर बढ़ेगा बड़ा हुआ वो नीचे आएगा। तो W इज इक्वल टू अच्छे से लिखो तो हाफ एल आई स्क्वायर। देख लो बच्चों मेरे पास उसकी एनर्जी मिल गई कि उसकी इतनी एनर्जी होगी या फिर उसका इतना वर्क होगा। बस यही कॉन्सेप्ट मैंने काइनेटिक एनर्जी में अप्लाई किया। बोलो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हो, K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यस सर, जो मैकेनिक्स के अंदर मास होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंडक्टेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? इंडक्टेंस बन जाएगा। जो यहां पे वेलोसिटी होता है वो यहां पे करंट बन जाएगा। तो ये लगातार 2-3 एग्जाम में पूछे हुए मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है कि जो मैकेनिक्स के अंदर मास होता है, मैकेनिक्स के अंदर मास होता है वो मैग्नेटाइजेशन में क्या होगा? इंडक्टेंस। जो वेलोसिटी होता है वो क्या बन गया? करंट। चलो ये रेडी। तो बेटा जितनी भी एनर्जी स्टोर होगी उसको हम वर्क भी बोल सकते हैं, यू इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, यू प्रोपोर्शनल टू एल, यू प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो दोनों मोस्ट एनर्जी थियर बच्चों, बहुत ही ध्यान से देख लो, हो सके तो 2-3 बार लिख लो, एग्जाम में लगातार आते हैं, लगातार पूछे जाते हैं, मोस्ट आईएमपी टॉपिक।